हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365 पॉलिटी का, जिसमें हमने अभी पांच पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सिक्स पार्ट है जिसमें हम बचे हुए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसमें टॉपिक आता है चुनाव, इलेक्शन। इसमें पहला चुनाव के अंतर्गत पहला टॉपिक है दल विरोधी कानून, एंटी डिफेमेशन लॉ। सुर्खियों में क्यों था? महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट से नए निर्वाचित विधायकों के दल बदलने से जुड़े कानूनी पहलू पर वाद विवाद को फिर से शुरू कर दिया। दल बदल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। दल बदल किसी राजनीतिक दल के एक सदस्य द्वारा दूसरे दल में जाने की प्रथा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह इसे आमतौर पर हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, लोकसभा में यदि पार्टी ए के सांसद पार्टी बी में शामिल हो जाते हैं तो यह कहा जाता है कि उन्होंने दल बदल किया है और इस प्रकार उनके विरुद्ध दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। दल बदल विरोधी कानून के बारे में, दल बदल विरोधी कानून उन विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है जो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाने बाद स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। जब वह कानून में उन विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान तब होता है जब वह राजनीतिक दल के टिकट चुने जाने के बाद वह अपनी स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ देते हैं। इसके बारे में क्या प्रावधान है संविधान में, ये देखते हैं। इसमें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। सदन के पीठासीन अधिकारी को 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। अयोग्यता के अधिकार क्या क्या हो सकते हैं? पहला, जिससे इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। पहला, यदि कोई सदस्य सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत और दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है और इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया जाता। इसमें मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता हो, यदि निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अब आता है राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे दिया जाता है। यदि किसी राष्ट्रीय दल को राजनीतिक दल माना जाएगा तो उसकी क्या क्या कंडीशन होती है उनको देखते हैं। पहला, उस दल को 4 या इससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, मतलब कि 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दल के उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में किन्हीं 4 या इससे अधिक राज्यों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त हुआ हो। इसके अलावा उसने पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीती हूँ, ये इसकी कंडीशन है। दल ने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में कम से कम 2 सीटें जीते हैं। वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग ने 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी है। अब दल बदल विरोधी कानून के जो अपवाद हैं उनको देखते हैं। पहला अपवाद है, यह कानून एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि विलय करने वाले दल के कम से कम 2/3 सांसद या विधायक विलय के पक्ष में हो। जब 2/3 सांसद या विधायक विलय के पक्ष में रहेंगे तभी इसमें दल बदल करने की अनुमति मिलेगी या विलय करने की अनुमति मिलेगी। और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में निर्वाचित होते हैं तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। उस पद को छोड़ने के बाद वह उसी दल में फिर से शामिल हो सकते हैं, मतलब इस्तीफा देने के बाद वह उसी दल में शामिल हो सकते हैं। अब आता है अगला, एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया। सुर्खियों में क्यों थी? सांसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे को एक व्यवहारिक रोड मैप और फ्रेमवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी विधि आयोग को सौंपी गई है। एक साथ चुनाव कराने के बारे में क्या प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। अनुच्छेद 83, 85, 172 और 174। अनुच्छेद 183 क्या कहता है? लोकसभा का कार्यकाल उसी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्षों के लिए होगा और इससे अधिक नहीं होगा, मतलब जब प्रथम बैठक हुई है तब से वह 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा, इससे अधिक नहीं होगा। 85 कहता है कि राष्ट्रपति के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा का विघटन करने की शक्ति प्राप्त होती है। 172 कहता है कि विधानसभाओं के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होगी। और अनुच्छेद 174 राज्यपाल के पास राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्य विधानसभा का विघटन करने की शक्ति है। 83 लोकसभा के लिए बैठक 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष तक लिए होगा और 172 के तहत विधानसभाओं के लिए।
अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के पास इसके लोकसभा के विघटन की शक्ति होगी और अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल के पास इस विघटन की शक्ति होगी। एक साथ चुनाव कराने के बारे में, एक साथ चुनाव कराने का अर्थ भारतीय चुनाव चक्र को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ संपन्न हो जाएं। इस व्यवस्था के तहत एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता एक ही दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए मतदान करते हैं। पहला, एक साथ चुनाव कराने का तात्पर्य यह नहीं है कि देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान एक ही दिन होगा। इसे चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जा सकता है। साथ ही एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता राज्य विधानसभा तथा लोकसभा दोनों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकते हैं। एक साथ चुनाव की व्यवस्था 1967 तक जारी थी। हालांकि 1968-69 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के विघटन के बाद इस व्यवस्था का क्रम टूट गया। इस प्रकार राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग किए जाने लगे। बाद में 1983 में निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का विचार प्रस्तावित किया था। यह विधि आयोग और नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था तथा दिनेश गोस्वामी की समिति ने इसकी सिफारिश की थी। समिति के बारे में पूछता है और इसमें कौन कौन से आयोग सम्मिलित है, किसके द्वारा यह अनुशंसा दी गई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत यह दिया गया इसमें आता है। पहला फिर आता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर का कार्य संपन्न हुआ है, उससे संबंधित है। ऐसे परिसीमन आयोग है क्या, इसके बारे में देखते हैं। परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 82 के अंतर्गत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम पारित करती है। इसी अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 82 के तहत। भारत में 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। 2002 में 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के परिसीमन की प्रक्रिया को कम से कम वर्ष 2026 तक रोक दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित किया जाता था। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारतीय निर्वाचन आयोग इसमें सहयोग से कार्य करते हैं। इसकी संरचना में प्रत्येक संबंधित राज्य संघ शासित प्रदेशों के लिए 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नामित चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य संघ शासित प्रदेशों के राज्य चुनाव आयुक्त। इसके कार्य होते हैं जलवायु में परिवर्तन के अनुरूप प्रतिनिधित्व हेतु लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है। इससे संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं? परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को किया गया था। इसे जम्मू कश्मीर के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के सारे सौंपा गया था। आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में 24 सीटें हैं जो रिक्त रहती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन। पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन 1950 की धारा 8A के तहत राष्ट्रपति 4 पूर्वोत्तर राज्यों में परिवेशन कार्य करने का आदेश दे सकता है। ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड। उपर्युक्त राज्यों में पिछले 51 वर्षों से परिसीमन कार्य नहीं किए गए हैं। कितने साल से? 51 साल से कोई कार्य नहीं किए गए हैं। और यह राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड। 2002 से 2018 के बीच संपन्न परिसीमन कार्य में पूर्वोत्तर राज्यों 4 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड शामिल नहीं किया गया था। 2001 की जनगणना में के इस्तेमाल की आशंका के कारण इन राज्यों को परिसीमन कार्य नहीं किया गया था। साथ ही 2020 के आदेश, राष्ट्रपति का आदेश जिसमें उपयुक्त 4 राज्यों में परिसीमन करने की अनुमति दी गई थी, केवल जम्मू कश्मीर तक ही सीमित था। अब आते हैं संबंधित तथ्य से क्या क्या है। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची से संबंधित क्या तथ्य रहे हैं? जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने घोषणा की है कि इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में सामान्य रूप से रह रहा है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हो सकता है। मतदाता सूची को अंतिम बार 2019 में जम्मू कश्मीर RPA 1957 के तहत संशोधित किया गया था। इसे 1970 के निरस्त होने के बाद यह कानून समाप्त हो गया है तथा जम्मू कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के तहत केवल वहां के स्थानीय निवासी मतदाता के रूप में नाम दर्ज करवाने के पात्र थे। अब शेष भारत के जम्मू कश्मीर में लोक चुनाव
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आयोजित होंगे। अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद अब विधानसभा और संसदीय चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होगी। सामान्य रूप से निवासी का निर्धारण किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा किया जाता है। ऐसा व्यक्ति देश के किसी अन्य भाग से हो सकता है, लेकिन वह कार्य, व्यवसाय या अन्य कारणों से जम्मू कश्मीर में रह रहा हो, परंतु उस व्यक्ति का नाम उसके मूल निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से हटा दिया होना चाहिए। इसके कंडीशन है। जब अनुच्छेद 370 लागू था तो जम्मू कश्मीर में सामान्य रूप से रहने वाले लोग केवल संसदीय चुनाव में मतदान करते थे। इन्हें अस्थायी निवासी के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। NPR ने अस्थायी निवासी में 1947 से जम्मू कश्मीर में रह रहे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भी शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूची में संशोधन। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 7 नई विधानसभा क्षेत्र जम्मू संभाग के लिए और 6 और कश्मीर के लिए 1 है बनाने की सिफारिश की थी। इसी के आधार पर भारत का निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में एक नई मतदाता सूची बनाने में तैयार कर रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनावों की किसी भी घोषणा के लिए आधार तैयार करने हेतु नई मतदाता सूची आवश्यक है। यहाँ राज्य विधानसभा के अंतिम चुनाव 2014 में हुए थे। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है जो अभी अलग हुआ था, और परिसीमन आयोग गठन होने के संबंध में क्या क्या उसमें संशोधन किए गए, क्या क्या पहले 370 लागू होने के पहले था और 370 हटने के बाद क्या क्या जम्मू कश्मीर में इम्प्रूवमेंट हुए हैं या क्या बदलाव आए हैं। अब आते हैं चुनावी बॉन्ड। पहले नंबर तो देखते हैं चुनावी बॉन्ड क्या होता है। चुनावी बॉन्ड क्या है? चुनावी बॉन्ड वस्तुतः राजनीतिक दलों को गुप्त दान करने के लिए ब्याज मुक्त वित्तीय इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? ब्याज मुक्त वित्तीय इंस्ट्रूमेंट। ये एक वचन पत्र की भांति होते हैं। ये बॉन्ड कौन खरीदता है? यह किसी भी भारतीय नागरिक या भारत के निगमित किसी भी निकाय द्वारा खरीदा जा सकता है। बॉन्ड का मूल्य वर्ग क्या होता है? 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये के मूल वर्ग में निर्गमित या जारी किए जाते हैं। इसे SBI की चयनित शाखाओं से खरीदा जा सकता है। ऐसे बॉन्ड कब खरीदे जाते हैं? या जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर माह में 10 दिनों के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से दिन? जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई, अक्टूबर, 4 महीने में या 10 दिन के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होते हैं। इसकी जीवन अवधि होती है। ये बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होते हैं। एक कौन से राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के पात्र होते हैं? ये वे राजनीतिक दल होते हैं जिन्होंने लोकसभा या राज्यसभा के विगत चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हैं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं। केंद्रीय बजट 2017-18 में चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा की गई थी। इसकी अन्य विशेषता है, किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जा सकने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर यदि उन्हें नहीं बुनाया जाता है तो SBI बॉन्ड की सारसी को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर देता है। ये इसके विशेषता है। अब आते हैं सुर्खियों में क्यों रहा है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों से पता चला है कि 2018 के बाद राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का संग्रह किया है। 10,000 करोड़ से अधिक के रुपए के संग्रह के कारण यह चर्चा में रहा है। चुनावी बॉन्ड के बारे में, केंद्रीय बजट 2017-18 में ब्याज मुक्त लिखितों के रूप में चुनावी बॉन्ड की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य देश में राजनीतिक चंदे की व्यवस्था को साफ सुथरा बनाना है। इसके पीछे तर्क क्या थे इसको शुरू करने के पीछे? पहला, राजनीतिक चंदे में नकदी के उपयोग को सीमित करना, फर्जी धोखाधड़ी करने वाले राजनीतिक दलों को बाहर करना, दानदाताओं को राजनीतिक उत्पीड़न से बचाना, काले धन पर अंकुश लगाना इसके तर्क थे। अब आता है निर्वाचन विधि अधिनियम 2021। निर्वाचन विधि अधिनियम हाल ही में सुर्खियों में क्यों रही? इसे राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी गई है। इस अधिनियम के बारे में, इस अधिनियम में कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। मतलब किसके बारे में किया गया? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करने के संबंध में इसको प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन विधि अधिनियम 2021 में मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं, मतदाता सूची में डेटा को आधार संख्या से जोड़ना 1950 की धारा में संशोधन द्वारा,
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति से कह सकता है कि अपनी पहचान साबित करने के लिए वह अपनी आधार संख्या उपलब्ध कराए। मतलब पहला कि अगर वो व्यक्ति अपनी पहचान साबित करने के लिए उसे अपने आधार कार्ड की जरूरत होगी। यदि कोई व्यक्ति किसी निर्धारित कारणों से अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा या उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। यह अधिनियम एक कैलेंडर वर्ष में 4 पात्रता तिथियां प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन करता है जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होगी। RPA अधिनियम 1950 और 1991 में पत्नी शब्द की जगह पति या पत्नी शब्द को शामिल किया गया है। पहले इसमें पत्नी सिर्फ शब्द था, अब पति पत्नी दोनों को शामिल किया गया है। यह अधिनियम उन उद्देश्यों का विस्तार करता है जिनके लिए ऐसे परिसरों की मांग की जाती है। इसमें मतदाता वोटिंग मशीन और चुनाव संबंधी सामग्री रखने और सुरक्षा बलों एवं मतदान कर्मियों में रहने के लिए परिसर का उपयोग शामिल है। 1951 के अधिनियम में राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई है कि वे ऐसे परिसरों की मांग कर सकती है जिनका मतदाता केंद्र के रूप में या चुनाव होने के बाद मत पेटी रखने हेतु उपयोग में लाने या लाए जाने की संभावना होती है। अब आता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है। 1950 और 1951 के बारे में इसमें संशोधन तो किए गए हैं, लेकिन 1950 क्या कहता है इसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं। लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है। इन चुनाव में मतदाताओं की योग्यता का निर्धारण और मतदाता सूची का निर्माण करना आदि होता है। 1951 क्या कहता है, संसद के सदनों में प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के लिए चुनाव का संचालन करना, इन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता एवं निर्भरता है। और तीसरा, इन चुनावों में या इसके संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से जुड़े प्रावधान आदि होते हैं। इससे संबंधित तथ्य क्या क्या है। रिमोट वोटिंग के तहत मतदाताओं को उनके पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारित मतदान केंद्रों की बजाय अन्य स्थानों में मतदान करने की अनुमति होती है। ये स्थान देश के भीतर या विदेश में भी हो सकते हैं। NRI को 2011 में मतदान का अधिकार दिया गया था। यह अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। हालांकि अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार विदेशों में रह रहे भारतीय मतदाताओं को अपना वोट डालने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। रिमोट वोटिंग के अंतर्गत है। ये क्या कहता है, मतदाताओं को उनके पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान केंद्रों की बजाय अन्य स्थानों मतदान करने की अनुमति प्राप्त होगी, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो। मतदान की अन्य प्रणालियां कौन कौन सी हैं। प्रॉक्सी वोटिंग, इसे 2003 में शुरू किया गया था। इसके तहत एक पंजीकृत मतदाता अपना मताधिकार किसी प्रतिनिधि को सौंप सकता है। केवल वर्गीकृत सेवा मतदाता को ही इसकी अनुमति होगी। इसमें सशस्त्र बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व फोर्स और सीमा संगठन सड़क संगठन के सदस्य शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत आएंगे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम। इसमें मतदान पत्र को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवा मतदाताओं को प्रेषित किया जाता है। इसमें सशस्त्र बलों के सदस्य, पुलिस, भारत के बाहर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों, उनके पति पत्नी, निवारक निरोध के तहत रखे गए लोग, विशेष मतदाता जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि शामिल होंगे। अब अनिवासी NRI के लिए क्या पोस्टल बैलेट होगा। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी है कि अनिवासी भारतीयों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम सुविधा का विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव का विचार किया जा रहा है। वर्तमान में चुनाव आयोग ने NRI को विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान की है, परंतु इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। उनके पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए और उन्हें मतदान के दिन व्यक्तिगत रूप से वोट डालने के लिए अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचना होगा। ये NRI के संबंध में है। अब भारतीय चुनाव प्रणाली क्या है। भारतीय चुनाव प्रणाली के बारे में देखते हैं। यह संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में चुनावों से संबंधित है। भारतीय चुनाव प्रणाली की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं हैं। देश में सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं और भारत की मतदाता सूची में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। इस संबंध में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान राज्य एवं केंद्र सरकार की विधानसभाओं के संबंध में भी लागू है।
परिसीमन आयोग की मदद से चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। इसके तहत चुनाव क्षेत्रों के क्षेत्रफल सीमा में चुनाव दर चुनाव बदलाव होता रहता है, लेकिन चुनाव क्षेत्रों की संख्या में वर्ष 2026 तक बदलाव नहीं किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के मामले में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और राज्यसभा चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से मतदान होता है। राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। एक चुनाव भारतीय चुनाव प्रणाली है। अब आते हैं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में। निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद 324 के तहत है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324(2) के तहत की गई है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसके पहले होता है। सेवा शर्तें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होती है तथा चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों के मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बाद ही उनके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। इनका कार्य भारत के लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन करता है। अब आता है भारतीय निर्वाचन आयुक्त। भारतीय निर्वाचन आयुक्त सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति के गठन के संबंध में लोकसभा के एक निजी विधेयक पेश किया गया है। अन्य संबंधित तथ्य क्या क्या है? यह विधेयक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को अलग करने का प्रयास करता है। साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी अन्य नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयुक्तों को अपात्र बनाने का प्रावधान करता है। दूसरा, यह विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित निर्वाचन आयुक्तों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति द्वारा नियुक्त करने का मांग की गई है। इसके निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या क्या क्या है? इसमें पहला तो 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और फिर उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 में से 1 जनवरी 1990 तक 3 सदस्यीय निकाय था। पहले एकल से मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, फिर 1990 में 3 सदस्यीय निकाय किए गए, और फिर 1993 में पुनः केवल मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया। फिर 1 अक्टूबर 1993 से वर्तमान समय तक एक मुख्य चुनाव आयुक्त, दो चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया अभी इसमें सदस्यों की संख्या है। यह CEC और EC के कार्यकाल को उनकी नियुक्ति की तारीख से 6 वर्ष तक करने का प्रावधान करता है। इसमें प्रादेशिक क्षेत्रीय आयुक्तों के कार्यकाल को 3 वर्ष की निश्चित अवधि तक करने का प्रावधान किया गया है। अब ये जो प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में जो संसद में पेश किए जाते हैं, इनके बारे में देखते हैं। पहला, इसमें मंत्रियों के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया गया कोई विधेयक निजी सदस्य विधेयक कहलाता है। इसमें UPSC में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे केवल शुक्रवार को ही पेश किया जाता है और इसी दिन इस पर चर्चा की जाती है। राज्यसभा के मामले में राज्यसभापति और लोकसभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा इसकी स्वीकारता तय की जाती है। 1970 के बाद से अब तक कोई निजी विधेयक अधिनियम नहीं बनाया गया है। अब आते हैं सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? समाजवाद या पूंजीवाद, पूंजीवाद या समाजवाद की परिभाषा देखते हैं। सामाजिक लोकतंत्र एक विचारधारा है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर समतावाद को बढ़ावा देना है, या पूंजीवादी व्यवस्था को भीतर समतावाद को बढ़ावा देना होता है। इसके तहत पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर एक न्याय संगत और समानतापूर्ण समाज के निर्माण के लिए सामाजिक एवं आर्थिक हस्तक्षेप उपायों का उपयोग किया जाता है। समानता, इसके तहत सामाजिक लोकतंत्र के समर्थक धन के पुनर्वितरण और कल्याणकारी उपायों के जरिए समाज के भीतर अधिक समानता लाना चाहते हैं। प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र का उपयोग एक साधन के रूप में किया जाता है जिसकी सहायता से अधिक समानता प्राप्त की जाती है। विकास बनाम क्रांति, विकास बनाम क्रांति में मार्क्सवादियों के विपरीत सामाजिक लोकतंत्र के समर्थक क्रांति के बजाय विकास के जरिए परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये निजी और राज्यों दोनों के स्वामित्व वाले पूंजीवाद एवं समाजवाद के मिश्रित मॉडल को बढ़ावा देते हैं। सार्वभौमिक सेवाएं क्या क्या हैं? सेवाओं के सार्वभौमिक प्रावधान के प्रति प्रतिबद्धता आधुनिक सामाजिक लोकतंत्र की विशेषता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुजुर्ग एवं बच्चों की देखरेख से जुड़ी सेवाएँ होती हैं। सामाजिक लोकतंत्र के समर्थक श्रमिकों के अधिकारों को भी मजबूती से बढ़ावा देते हैं। अब आते हैं इसमें सुर्खियों में, सामाजिक लोकतंत्र सुर्खियों में क्यों रहा है? हाल ही में स्वीडन में हुए चुनावों के कारण सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक स्कैंडिनेवियाई मॉडल चर्चा में रहा है। इनके अन्य तथ्य कौन कौन से हैं, संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं? सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल नॉर्डिक देशों स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड द्वारा अपनाई गई सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रणालियों का संयोजन है। इस मॉडल ने नॉर्डिक देशों को महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में मदद की है, जैसे
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उच्च स्तर और वैश्वीकरण में भागीदारी, आर्थिक प्रगति, असमानता का निम्न स्तर, उच्च जीवन स्तर और विश्व में सबसे अधिक श्रम भागीदारी दर के बारे में बात करता है। सामाजिक लोकतांत्रिक प्रणाली की विशेषताओं में किस किस को शामिल किया गया है? पहला, प्रतिनिधि और सहभागी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर निर्भरता, जहां शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा, यह सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली सामाजिक सेवाओं और बच्चों की देखभाल, शिक्षा एवं अनुसंधान में निवेश देने वाले, निवेश पर जोर देने वाली व्यापक सामाजिक कल्याण योजना है। यह प्रगतिशील कराधान द्वारा वित्त पोषित प्रणाली है। सक्रिय श्रमिक संघों और नियुक्त संघों के साथ मजबूत श्रम बाजार संस्थानों की उपस्थिति होती है। इससे शासन व नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका के अलावा महत्वपूर्ण सामूहिक सौदेबाजी, वेतन पर बातचीत और समन्वय करने में मदद मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां कौन कौन सी रही है देखते हैं। पहला आता है एसीआई निर्वाचन प्राधिकरणों का संघ। भारत को 2022 से 2024 तक के लिए सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसको? भारत को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी, जिसका उद्देश्य एशियाई क्षेत्र में एक गैर पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करना है। यह मंच सुशासन और लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र पारदर्शी निर्वाचनों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के निर्वाचन प्रबंध निकाय का संस्थापक सदस्य भी है। पंजीकृत गैर मतदाता प्राप्त राजनीतिक दल, इसमें देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची में 111 अस्तित्वहीन दलों को हटा दिया गया है। इन 111 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का कोई अस्तित्व नहीं था। इन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उल्लंघन करते हुए पाया गया था। इसमें पंजीकृत राजनीतिक दल कितने हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर है? 8 है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण समाप्त करने की शक्ति नहीं है। इस संबंध में चुनाव सुधार का प्रस्ताव अब भी सरकार के पास लंबित है। हालांकि यह राजनीतिक दलों की वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दों को उठा सकता है, साथ ही यह राजनीतिक दलों में निम्नलिखित नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने की मांग कर सकता है। चंदा प्राप्ति के स्रोत और इसके तरीके, कंपनियों द्वारा डिस्क्लोजर, बैंक खातों में विवरण आदि होता है। गैर मान्यता प्राप्त पर राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? ए, राजनीतिक दल जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद से कभी चुनाव नहीं लड़ा है, और नए पंजीकृत राजनीतिक दल और ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें राज्य स्तरीय दल बनने के लिए विधानसभा या लोकसभा चुनाव में वोट का निर्धारण फिर से प्राप्त नहीं हुआ है। ये पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल होते हैं, जिनमें 111 को अस्तित्वहीन बताया गया। अब आता है निर्वाचन प्रतीक आरक्षण आवंटन 1968। यदि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों में दो प्रतिद्वंदी गुट बनते हैं तो उस दल का प्रतिनिधित्व किस गुट को दिया जाएगा, इस संबंध में निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 ECI को निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है। ECI का निर्णय बाध्यकारी होता है। राजनीतिक दलों के विभाजक गुट को स्वयं को एक अलग दल के रूप में पंजीकृत कराना होता है। पंजीकरण के बाद राज्य या केंद्रीय चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर वह राष्ट्रीय या राज्य दलों के दर्जों का दावा कर सकता है। पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दलों में विभाजन की स्थिति में चुनाव आयोग आमतौर पर दोनों गुटों को आंतरिक स्तर पर अपने मतभेदों को हल करने या न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखने की सलाह देता है। चुनाव आयोग ने अब तक के लगभग सभी विवादों में दिए गए अपने निर्णयों में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के स्पष्ट बहुमत वाले गुट का समर्थन किया है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब चुनाव आयोग अपने राजनीतिक दलों के संगठन के भीतर दावेदारी गुट के समर्थकों की संख्या निर्धारित करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति पदाधिकारियों की सूची पर विवाद के कारण उत्पन्न होती है, तब चुनाव आयोग केवल निर्वाचित सांसदों और विधायकों के बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। अब आते हैं एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना। ऐसा किया जाता है जिसको हाल ही में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संशोधन के लिए पुनः नए सिरे से प्रयास किया गया। आयोग के अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र को रखने और दूसरे को रिक्त करने के बाद उपचुनाव के लिए बाध्य करने वाले पर भारी जुर्माना लगाने का एक विकल्प का विचार किया जाना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकता है। इसमें कितने लिमिट दी गई है? 2 की लिमिट दी गई है। 1996 तक 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी,
बाद में इस अधिनियम में संशोधन कर केवल दो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित की गई थी। दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट 1990 और चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट 1999 में भी एक उम्मीदवार के निर्वाचन के एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने तक सीमित करने की सिफारिश की गई थी। कानून और न्याय मंत्रालय का विधान विभाग चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सरकार में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अब आता है अलग अलग प्रकार के बोर्ड, जैसे टेंडर बोर्ड, चैलेंज्ड बोर्ड, टेस्ट बोर्ड होते हैं। टेंडर बोर्ड क्या है? टेंडर बोर्ड, जब कोई मतदाता अपना वोट डालने जाता है तो उसे पता चल जाता है कि उसका वोट उसकी पहचान से किसी और से पहले ही डाल दिया है, तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता को वोट डालने का अधिकार देता है। इसे टेंडर वोट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति एक टेंडर वोट के माध्यम से किसी अन्य मतदाता की तरह वोट डालने का पात्र हो जाता है या किसी और का मतदाता का पात्र हो जाता है। चैलेंज्ड वोट क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मतदान बूथ पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट मौजूद होते हैं। इन्हें मतदान एजेंट कहा जाता है। ये एजेंट किसी वोटर के वोट को चैलेंज कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि संबंधित वोटर फर्जी है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को वोट डालने आया है। टेस्ट वोट क्या होता है? जब एक मतदाता यह दावा करता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या पेपर ट्रोल मशीन ने उसका वोट सही ढंग से दर्ज नहीं किया है तो उसे टेस्ट वोट के रूप में फिर से वोट डालने की अनुमति दी जाती है। अब आता है मतदाताओं का पंजीकरण। मतदाताओं का पंजीकरण, चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में कानूनी संशोधन और निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 में संशोधन के अनुपालन में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं। इसमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं? पहला, ऐसे युवा जिनकी आयु 17 वर्ष से अधिक है वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, मतदाता सूची को प्रत्येक तिमाही में अपडेट किया जाएगा, साथ ही पात्र युवाओं को उस वर्ष की आगामी तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिस तिमाही में उनकी आयु 18 वर्ष हुई है, और इसे आधार विवरण के फॉर्म जोड़ने का वैकल्पिक प्रावधान भी दिया गया है। अब आता है सुलभ चुनावों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति। भारतीय चुनाव आयोग ने NACAE नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एसेसेबल इलेक्शन के तहत दो उपसमितियों का गठन किया है। इन उपसमितियों का उद्देश्य आयोग की वेबसाइट तक पहुंच में सुधार तरीके का अध्ययन करना और दिव्यांग व्यक्तियों के निर्वाचकों के रूप में पंजीकरण को आसान बनाना है। नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एसेसेबल इलेक्शन राज्य तथा जिला स्तर पर चुनावी प्रक्रियाओं में PWDs की जन भागीदारी से संबंधित प्रक्रियाओं और मुद्दों की समीक्षा करती है। इसमें कौन कौन से बिंदु आएंगे? उप चुनाव आयुक्त इस समिति का अध्यक्ष होता है और इसकी बैठकें वर्ष में दो बार या अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार नियोजित होती हैं। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और वैकल्पिक संरचना प्रस्तावित होने तक रहता है। ये हमारा चुनाव वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको जो आगे के पार्ट है, ये महत्वपूर्ण विधान एवं विधेयक, इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और भी इसी तरीके से कंटिन्यू करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।